प्रदेश के खरगोन जिले में दस्तक अभियान के तहत सर्वे में 0 से 5 वर्ष के 2500 बच्चों में रक्त की कमी पाई गई। इन बच्चों की जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए जिला प्रशासन और जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रक्त दिया गया। एक व्यक्ति के 300 ml रक्त देने से 3 बच्चों की भविष्य में जान बचाई जा सकती है। जिला कलेक्टर डार्ड ने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें और अपने रिश्तेदारों और आसपास के नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। खरगोन से अजय तिवारी रिपोर्ट। एक्चुअली ये दस्तक अभियान अभी चल रहा है जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों का परीक्षण किया जा रहा है। कुछ बच्चे उसमें एनीमिक पाए गए, उनको रक्त की आवश्यकता है और इस ब्लड बैंक में रक्त की कमी थी। हमने ये सोचा है कि पूरे जिले में हम कैंप लगाएं और रक्तदान कराने की अपील करें। खरगोन में हमने आज सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का कैंप लगाया है जिसमें हमें आशा है 100-150 यूनिट रक्तदान मिल जाएगा। कल हमने एसोसिएशन डिफरेंट जो शहर के एसोसिएशन है उनकी उनसे अपील की है, उनसे भी हमें विश्वास है कि 100-150 यूनिट उनसे भी मिलेगा। कल के दिन जो आम नागरिकों के लिए रखा है, परसों के दिन पुलिस विभाग और होमगार्ड का रखा है जिससे भी हमें 100-150 यूनिट की प्राप्ति हो सकेगी। और बचे हुए को फिर मंगलवार को इस प्रकार लगातार 4 दिन तक एक ब्लड कैंप चलता रहेगा। इसी के साथ भीगनगांव में भी साइमल्टेनियसली एक ब्लड कैंप चल रहा है। हमें ब्लड की आवश्यकता है, हम सभी से अपील कर रहे हैं कि ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से किसी की जिंदगी बचेगी, जिंदगी का उसका फ्यूचर ठीक होगा, लेकिन ब्लड डोनेट करने से ब्लड डोनेशन करने वाले को कोई भी एक रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होगा, उसे और बेनिफिट ही होगा। रक्त 120 दिन में वैसे भी रक्त आरबीसी डेड हो जाता है तो नया रक्त बनता ही रहता है। जैसे आप रक्तदान करेंगे आपका नया रक्त बन जाएगा, लेकिन उस रक्त से किसी की जिंदगी संवरेगी, भविष्य सुरक्षित होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप रक्तदान में बढ़ चढ़ कर करें। पूरे जिले में जागरूकता के लिए कुछ अभियान या कुछ चलाया गया? हाँ, अब जागरूकता शुरुआत हम खरगोन से ही कर रहे हैं। खरगोन एक पोटेंशियल वाला जगह है जहाँ जागरूकता जागरूक है लेकिन वो आगे नहीं आए। अब जैसे ही आगे आएंगे इसका प्रभाव हमारे आदिवासी इलाकों में भी जाएगा और जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे करके हम कैंप को विस्तृत रूप देंगे, पूरे गाँव तक जाएंगे।